हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक चटपटी, क्रिस्पी और कुरकुरी कटलेट रेसिपी। आज की हमारी इस रेसिपी का नाम है सोया पुदीना कटलेट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सर जार और जार में ऐड कर दिए हैं सोया चंक्स। यहाँ पर मैंने सोया चंक्स को अच्छे से धोकर कुकर में दो विसल लगाकर बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज, लहसुन की कलियां, अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको पीस लेंगे और एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पे ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। फाइन स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा घी, गरम मसाला और कसूरी मेथी। अब इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सोया पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड मैश्ड आलू। अब आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आलू ऐड करने से कटलेट्स की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस स्टेज में एक चम्मच कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बाइंडिंग तो एकदम परफेक्ट हो ही जाती है और कटलेट्स के टूटने के भी जीरो चांसेस हो जाते हैं। अब इस पेस्ट में से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और उन्हें कटलेट्स का शेप दे देंगे। कटलेट्स का शेप देते समय हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें ज़रा से भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें क्रैक्स होंगे तो आगे चल के जब हम इन्हें तेल में फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे। अच्छे से स्मूथ नो क्रैक कटलेट को शेप देने के बाद अब हम इसे कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। यहाँ पर आप कटलेट्स को कॉर्नफ्लावर से भी कोट कर सकते हैं। इसी तरह से सारे कटलेट्स को शेप दे देंगे। कटलेट्स को शेप देने के बाद एक से दो घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इन्हें डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज में रखने से ये और भी क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी। दोस्तों, आप इसे इसी तरह से फ्रीज़र में बहुत ही आराम से एक हफ्ते तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग या पाउच में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसे निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं और इवन गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। अब हम कटलेट्स को फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे और दूसरी ओर कटलेट्स को फ्राई करने के लिए तेल गरम करने रख देंगे। यहाँ पर मैंने कटलेट्स को फ्राई करने के लिए वाइट ऑयल का यूज़ किया है। आप कोई भी नो स्मेल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें एक एक करके सारे कटलेट्स को छोड़ देंगे। दोस्तों, ध्यान रखें कि जब हम कटलेट्स को फ्राई करेंगे तो गैस का फ्लेम एकदम मीडियम ही होना चाहिए। हाई फ्लेम पर हम नहीं फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से कटलेट्स बाहर से तो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे ही, अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। हमें कटलेट्स को दोनों तरफ से ही पलटते हुए डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। कटलेट्स दोनों तरफ से ही बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। दोस्तों, इन कटलेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, एज अ स्टार्टर, एज अ इवनिंग स्नैक और जैसे आपका मन चाहे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करिएगा और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू।